हेलो दोस्तों, हम लोग एडवांस मैथ में ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन की क्वेश्चन की सीरीज को कर रहे हैं, जिसका आज पार्ट 19 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसका। अ सॉलिड सिलेंडर हैज रेडियस ऑफ बेस 14 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है। एक मिनट, देखिए हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है जिसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ बेस 14 सेंटीमीटर, मतलब जो इसकी रेडियस दी हुई है कितनी, 14 सेंटीमीटर की दी हुई है। हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर की है। और बोला जा रहा है कि फोर आइडेंटिकल सिलेंडर हैं, वो कट किए जाते हैं ईच बेस से, मतलब ऊपर से भी और नीचे से भी चार चार कट कर लिए जाते हैं क्या सिलेंडर। और बोल रहा है कि जो छोटे छोटे सिलेंडर कट किए गए तो इनकी जो हाइट है वो कितनी, 5 सेंटीमीटर की, मतलब 5 सेंटीमीटर के सिलेंडर कट किए जाते हैं। व्हाट इज द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका टोटल सर्फेस एरिया क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो ये हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर पोर्शन दिया, ये फिगर दिया हुआ है हमारा, तो ये फिगर क्या है, इसमें क्या है, जैसे हम ये बेलन का जो फ्रंट होता है ना, वो सर्कुलर पोर्शन, तो उसमें से ये जो छोटे छोटे बेलन कट किए गए तो उनकी फ्रंट दिया हुआ है। तो इसे समझने भी आसान है, क्योंकि अगर आप अभी बेलन बनाते हैं ना उसमें, क्योंकि 2D में बनाएंगे उसे, तो आप क्या करोगे जब उसे पूरा बनाओगे तो आप ऊपर नीचे जब टच हो जाएगा तो आप सोचोगे कि वो पूरा पूरा पोर्शन ही हट गया, लेकिन ऐसा नहीं। पूरा सर्कुलर जो हमारा सर्कल है तो उसकी रेडियस तो कितनी, 14 सेंटीमीटर, और ये छोटे वाले की जो रेडियस है वो तो अलग होगी, तो मीन्स ये पूरा पूरा ऊपर तो टच होगा नहीं जाके, बस यहाँ पे थोड़ा सा टच होगा, इधर का कुछ कर्व एरिया टच होगा। तो मींस कुल मिला के हम लोग अब क्वेश्चन बनाते हैं, पहले डायग्राम तो आपको समझ में आएगा। एक हमने बेलन बनाया, तो ये बेलन आप समझिए ना कि जो कुआं है, कुएं में मिट्टी भरी हुई है, तो समझ लिए अभी वही है, ठीक है। एक कुआं है आपके पास, उसमें मिट्टी भरी हुई है, आप उससे आप क्या कर रहे हो कि ऊपर से बेलन कट करने की बात की जा रही है ना, चार बेलन ऊपर से चार बेलन नीचे से, तो आप सोच लो कि आपने क्या किया, उसे चार कुएं खोद लिए, आप ऐसे सोचो, तो उससे बहुत बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना आपका। एक ये आएगा, एक दो तीन चार किए जाते हैं, इसी तरह नीचे से भी कितना, एक दो तीन चार, उसी तरह पोर्शन होगा, ठीक है। और नीचे से अब ये थोड़ा सा पोर्शन तो बचेगा ना वहां पे, थोड़ा सा सिलेंडर जो है हमारा बहुत छोटा सा हो गया। कुल मिला के मतलब जैसा ऊपर फिगर आएगा वैसे ही वो नीचे आएगा, ओके। तो आप क्या देखोगे इसमें, जो हमारा क्या बोला, रिमेनिंग जो है उस पार्ट का टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है, तो आप क्या देख रहे हो उसमें, जो हम लोग जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या बोला कि एक कुआं है और कुएं में क्या है, मिट्टी भरी हुई है, और उससे आपने चार सिलेंडर ऊपर से, मतलब चार कुएं आपने खोदे, नीचे वाला भी छोड़िए, एक आपके पास कुआं है उससे आपने क्या किए हैं कि आपने क्या किए हैं कि चार जो है कुएं खोदे हैं। तो जब आपने कुएं खोदे होंगे तो उसका जो भाई कुआं खोदा जाता है वो तो खोखला हो जाएगा ना, वो कुछ ऐसा करके आएगा हमारे पास, भाई नीचे का तो सॉलिड बचेगा क्योंकि तो होती ही उसकी, बस उसका ये कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे होगा, और अंदर तो पूरा क्योंकि पानी भरा जाता है तो अंदर तो कुछ होगा नहीं, और ऊपर जो सर्कुलर पोर्शन है फिर वो भी नहीं आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारा ये जो ऊपर का सर्कुलर पोर्शन है ये सब कुछ नहीं आएगा, इसे नीचे में ये सब कुछ नहीं आएगा हमारा, खाली हमारी जो ये बॉटम वाली जो तली है, ये तली हमारी क्या होगी, ये हमारे पास एक्स्ट्रा बचेगी, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे हमारा ये क्या आ रहा है, ये कर्व सरफेस, ये भी हमारे पास आ रहा है, खाली क्या हट रहा है, भाई अंदर का खोखला हो गया और ऊपर का जो सर्कुलर पोर्शन है वो हट रहा है। तो देखिए अब इसे नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ मैं क्या है। देखिए कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आपका जो पूरा बेलन है, आपका जो पूरा बेलन है उसका पूरा कर्व जो टोटल सर्फेस एरिया होता है वो क्या होता है, टोटल सर्फेस एरिया 2πRh प्लस 2πr2। ये 2πr2 क्या होता है, जो ऊपर का सर्कल का ये सर्कुलर एरिया और नीचे का उसी का ना, ये πr2, ये πr2, वही 2πr2 बनता है जाके। तो आप जब कह रहे हो कि आपने क्या किया है, यहाँ से जो हम ये वाला पोर्शन तो जब कुआं खोदा तो ये तो हट गया, लेकिन हमने क्या देखा कि नीचे वाला पोर्शन जो है हमारा आ रहा है, ये है, तो नीचे जब तली तो हमारे पास क्या हो रही है, गेन हो रही है, और लॉस क्या हो रहा है कि जो ऊपर वाला सर्कुलर पोर्शन है वो हट रहा है। तो मींस जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है तो उसमें से हमने यहाँ से क्या, जो भाई सर्कल है ऊपर वाला सर्कुलर एरिया, तो इसमें से ये वाले सर्कल तो ये लॉस हो जा रहे हैं ना, तो जब लॉस तो ऊपर वाले हो रहे हैं लेकिन हम लोग गेन क्या कर रहे हैं, वो जो नीचे वाला ये सर्कुलर पोर्शन है ये हम लोग गेन कर रहे हैं। तो मींस अगर हम लोग πr² जो है, इसकी मान लीजिए रेडियस r है, तो πr² अगर हमने क्या
किया, लॉस किया, तो पाई आर स्क्वायर हमने क्या किया, गेन भी किया है, तो ये तो हमारा हट गया। तो एक्स्ट्रा हमारा फिर बचा क्या, इस सिर्फ अभी एक कुएं को देखिए, एक सिलेंडर को देखिए, तो एक्स्ट्रा हमारा बचा क्या कि खाली इसका जो कर्व सरफेस है, वही कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस जो है वही हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है। मींस यहां से जो लॉस हुआ ये प्रॉफिट वो तो हट गया, तो कर्व सरफेस एरिया ही हमने क्या किया, गेन। तो एक ये तो हमने एक, तो एक से एक कर्व सरफेस एरिया गेन किया, और टोटल कितने हमने कुएं निकाले, मतलब टोटल कितने बेलन कट हुए, चार ऊपर से और चार नीचे से, मींस कितने कर्व सरफेस एरिया, 8 × 2 पाए, इसकी आर को कैपिटल आर, हाइट को कैपिटल एस दे देते, मींस एक्स्ट्रा हमने 8 × 2 पाए कैपिटल आर एंड कैपिटल एच, ये हुआ कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। और 8 हमारे पास क्या है, सिलेंडर जो हमने कट किए, तो 8 × ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, अपना सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये तो उसी फॉर्म में बना लेते हैं, यहां से 2 पाए, यहां से हमारे पास कितना है, आर भी कॉमन करना हो तो आर भी कॉमन कर लो, तो कितना होगा, एच प्लस आर, फॉर्मूला सी फॉर्म में होता ही है, प्लस 8 × 2 × 22/7, आर इसका कितना था हमारा, हाँ आर अभी नहीं निकाला हम लोगों ने, देखिए पूरी जो रेडियस है वो कितनी दी हुई थी, इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर थी, ऊपर से चार सिलेंडर हटाए जाते हैं, चार में इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 × 2 = 4 × 2 = 7, जब 7/2 की आर 7/2 हो गया, हाइट कितनी 5 का बोला गया था, 5 का कट किया जाता है, 5 हो गया, 7 से 7 हटा दीजिए, 2 से 2 हटा दीजिए आप, अब यहाँ पे आइए 2 × 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14, एच की वैल्यू कितनी है 15 और आर की वैल्यू है 14, ओके। यहां से हमारे पास क्या बचा, 8 बच रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 हो गया इंटू 22 हो गया, ओके। अब यहां से देखिए 7 × 2 = 2, ये तो कैंसिल हो गया, अब हमारा जो पहले कॉमन है वो कॉमन कर लीजिए, ये देखिए 44 यहां से हमारा कॉमन हो जाएगा, ओके 44 कॉमन होगा, तो 2 × इसको ऐड कराए 29 आया 29, और यहां से देखिए 22 ये, और मैंने कितना कॉमन किया है, 2 इधर से ले लिया, 44 कॉमन किया, मीन्स हमारे पास यहाँ पे कितना 20 बचा, 44 2 × 29 कितना होगा 58 होगा, प्लस 20 इसको ऐड करा दीजिए, 44 × ये हो गया हमारा 78, अब इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, इसका मल्टीप्लाई किया 78 × 44, जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, जब 4 से इसको कराएंगे कि हमारा कितना आएगा 312 आएगा, 312 ऐड कर 2 3 4 3 मींस कितना हुआ 3 4 3 2, तो रिमेनिंग पोर्शन का जो टोटल सरफेस एरिया है वो 3432 स्क्वायर सेंटीमीटर का है, जिसमें भी दिया हो हमारा क्वेश्चन जैसे भी दिया था, ओके। तो आप क्या देखोगे, मैंने क्या बोला इसमें क्वेश्चन में कि इसमें एक सिलेंडर था, उससे चार आइडेंटिकल ऊपर से और नीचे से सिलेंडर को कट किया जाता है, तो मैंने क्या बताया आपको कि आपको इमेजिन ऐसे करो कि आपका एक कुआं है जिसमें मिट्टी भरी हुई है, तो उससे आप क्या कर रहे हो, ऊपर से आप चार को देखिए, तो ऊपर से आप चार कुएं को खोद रहे हो, जब कुएं को खोदोगे आप तो अब अंदर की मिट्टी तो आपने निकाल ली, तो ऊपर का पोर्शन तो हटा, तो बचा क्या, नीचे की तली बची और जो और किनारे का जो कर्व सरफेस है वो बचा, तो जब नीचे की तली कर्व सरफेस बचा तो आपने देखा कि पहले तो आपने पहले कितना आपने गेन किया, तो देखिए अगर जो हमारे पास ओरिजिनल जो हमारे पास था सिलेंडर, तो उसमें तो ऊपर का ये पार्ट हमने लॉस किया, तो नीचे का क्या किया, गेन किया, तो जितना लॉस किया जितना गेन किया वो तो पार्ट अब हट गया, उसको हटाई दीजिए, तो एक्स्ट्रा जो हमारे पास जो पहले हमारे पास टोटल सर्फेस एरिया था उससे हम क्या खाली गेन कर रहे हैं, जो हमारे ये सिलेंडर निकाले गए हैं, जो कुएं खोदे गए हैं, तो उसकी की कर्व सर्फेस को हम गेन कर रहे हैं, तो कर्व सरफेस को गेन कर कर्व सरफेस क्या होता है 2πrh, 8 है मतलब 8 कुएं खोदे गए हैं, 8 सिलेंडर निकाले गए हैं, तो 8 × 2πrh, तो क्या होगा 2πrh प्लस जो पहले टोटल सरफेस या सिलेंडर का मेन होता है वो, और प्लस 8 × 2πrh, इसकी आर को मैंने अलग से डिनोट कर दिया, इसकी आर क्या हो जाएगी, पूरा हमारा 14 सेंटीमीटर की रेडियस दी, तो 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ऊपर से 4 कट किए गए, नीचे ऊपर से 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो 7/2 हो जाएगा, एच कितनी 5 दी हुई थी, ठीक है ना, आई होप आप लोग की समझ में आओगे, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है हमारे पास, बोल रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट पी टू टेंजेंट पी एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद अ सेंटर ओ, मतलब एक सर्कल है जिसका जो सेंटर ओ दिया हुआ है और यहाँ पी पॉइंट से दो टेंजेंट जो है ड्रॉ करी जाती है, कौन सी, पी और पी बी,
फिर बोल रहा है इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर की दी हुई, रेडियस कितनी 5 सेंटीमीटर की दी हुई है। और फ्रॉम द पॉइंट ओ क्या बोला कि ओसी एंड ओडी आर ड्रॉन पैरेलल टू पी ए एंड पीबी, ये जो ओसी और ओडी जो है ये किसके पीए और पीबी के क्या समांतर है। ओके बोला इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज 5 सेंटीमीटर, ये जो ए बी कॉर्ड है ना इसकी लेंथ कितनी 5 सेंटीमीटर, ए बी भी कितना है 5 सेंटीमीटर का है। देखिए यहीं से काम बन गया हम लोग का। देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ सीओडी, इस सीओडी की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए क्या उसने काम क्या बोला कि ओसी पीए के पैरेलल है मतलब समांतर है, ओडी जो है पीबी के समांतर, एक कंडीशन ये बोली। और दूसरी कंडीशन उसने बोल दी कि ए बी जो है वो ये कॉर्ड जो है, देखिए कॉर्ड और रेडियस क्या वैल्यू इक्वल है 5 सेंटीमीटर की। एक मिनट इसको आप मीट करा दो, फिर ये हमारा ट्राइंगल बन गया। आप देखिए ये कॉर्ड होगा ये रेडियस, अगर ये बराबर है तीनों तो क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, मतलब समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होगा तो ये एंगल कितना 60 डिग्री का होगा, ठीक है ना। अगर ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है तो आपको ये पता है कि ये क्या होता है, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो आप ये पूरा निकालोगे डायरेक्ट कितना निकलेगा, ये डायरेक्ट इसका दुगना ही निकलता है। अगर ये 60 तो कितना निकलेगा 120 ही निकलेगा, क्योंकि भाई ये हमारा कितना ये 90 ये 90 ये खुद ही 180 हो जाता है, तो ये 60 तो इसका मतलब 180 माइनस कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी होगा वो 180 से माइनस, ये मैंने 60 से वो 120 ही बनेगा जाके, क्योंकि 180 से जब आप क्या करोगे 60 माइनस करोगे तो 120 आएगा। तो मींस ये 90 होता है, ये 90 होता है, तो इस वजह से ये हमेशा 180 बनता है। तो बाकी अगर हमारा ये एंगल कभी भी निकला तो उसको क्या करोगे 180 से माइनस कर दोगे, तो 180 से माइनस करें तो ये कितना होगा 120 होगा हमारा। ओके तो कुल मिला के आपको डायरेक्ट लिखना है, इतना पूरा करके दिखाना नहीं है। तो आपने क्या देखा, देखिए ये 120 निकला। अब मैं एक डायग्राम बनाने जा रही हूं, देखिए ये चीज है, इसमें से ये मेरा ऐसे करके है पी ए, ओके, और यहाँ वो है और उसने ये पैरेलल नहीं तो बोली थी ये चीज, और ये पूछ क्या रहा है यहीं पे सीओडी पूछ रहा है। तो देखिए ये पूरा 120 तो आधा कितना होगा हमारा 60 होगा, तो अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा हमारा 60 होगा, आप समझ गए। तो उसी तरीके नीचे का भी वही होता, तो ये 60 है तो ये भी कितना होता 60, तो 60 कितना 120, मींस हमारा एंगल जो होगा COD वो कितना होगा 120 डिग्री का होगा। आपको समझ में आया होगा, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टू सर्कल है, सेंटर ए एंड बी दिया हुआ है इसका, ओके और रेडियस 3 and 4 सेंटीमीटर की इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट सी एंड डी सच दैट ए सी एंड बी सी टू टेंजेंट फाइंड कॉमन कॉर्ड। देखिए क्या बोल रहा है कि दो जिसका सेंटर जो है वो क्या है ए है और बी, ठीक है ना, पहले लेकिन क्या बोले इंटरसेक्ट कर रहे, इंटरसेक्ट कर रहे मतलब एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, सभी को आता हो ए एंड बी, ठीक। अब बोला है कि इनकी जो रेडियस है वो तो 3 and 4 की है और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, सी और डी पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये सी है और डी है, तो कॉमन कॉर्ड पूछ रहा है, ये वैल्यू पूछ रहा है, हो गया क्वेश्चन। इसको आप मीट करा दो यहाँ से ये चीज, ठीक है ना, इसको आप मीट करा दो, इसको आप मीट करा दो। देखिए इसका डायरेक्ट अगर किसी को पता हो तो आपको पता है कि 2R1 R2 / D निकलता है, ठीक है ना, ये डायरेक्ट निकलता है, लेकिन कैसे निकलता है वो आपको पहले करके बताना पड़ेगा। तो देखिए इसकी रेडियस आपके पास कितनी यहाँ पे ये दी हुई है 3 दी हुई है 4, और आपको पता है कि ये 3 है ये 4 है, तो और ये आप ये भी पता है कि ये हमारा कितना बनेगा जाके यहाँ पे एंगल ए सी बी हमारा क्या होगा 90 डिग्री का होगा। कैसे, देखिए यहां से ये रेडियस है और ये इसका टेंजेंट का काम कर रही है, तो ये क्या होता है 90 डिग्री का ही एंगल बनता है यहाँ पे। तो अगर ये 90 डिग्री 3 4 है तो ये क्या होगा उसका हाइपोटेनस का काम करेगा, मतलब ये 5 निकल आएगा। अब क्वेश्चन आपका हो गया, देखिए ये ट्राइंगल हमारा है, तो एक बार हम लोग 3 और 4 मीन्स ऐसे करके ये बना, ये 3 है ये 4 है, तो इसका जब हम लोग एरिया निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 × 3 × 4, और एक बार हम लोग बेस 5 ले लेते हैं और ये हमारी हाइट हो जाएगी, तो 1/2 × 5 × हमारी हाइट वो हो गई, तो इसको हम डी से डिनोट कर देते से हाफ कैंसिल हो गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 3 × 4/5, लेकिन हमें तो कॉमन कॉर्ड चाहिए, तो कॉमन कॉर्ड इसका ये जितना होगा उतना नीचे होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 2 × 3 × 4/5। तो वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखी थी कि 2R1 R2 / D इस केस में होता है, तो 2R1 की वैल्यू 3 थी, R की वही 4 थी, और D हमारा क्या है ये A और B के बीच की जो डिस्टेंस है, तो वो 5 निकला था, तो डायरेक्ट आपको ये ध्यान होना चाहिए। तो बस कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12, मतलब 24/5 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन था, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, इसी तरह ये सीरीज आगे बढ़ाते रहेंगे।